गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटे, अपना जो लेसन है क्या निराश हुआ जाए, ये जो लेसन बेटे फर्स्ट इंसिडेंट हो गया था, सेकंड इंसिडेंट भी स्टार्ट हुआ था, वहां तक हुआ था। पेज नंबर 53 ये पैरा स्टार्ट करना है बेटे, ये पिक्चर के नीचे वाला पैरा स्टार्ट करना है आपने। ओके, तो देखिए बच्चों, रीडर्स लीजिए और देखिए बेटे। हाँ, तो ये बस में जा रहे थे अपने परिवार के साथ, तो सडनली बीच में बस रुक गया, तो कंडक्टर उतरा, कंडक्टर उतर के क्या करा, साइकिल लेके चले गया। अब पूरे लोग क्या है वहां पे, पूरे बैचलर्स के ऐसा ही है, अकेले अकेले, मगर इन्होंने अकेले थे जो फैमिली के साथ थे, तो इसीलिए डर हो रहा था इनको, क्योंकि लोग भी डरा रहे थे कि लास्ट 2 डेज पहले ही मैंने सुना था यहाँ पे डकैती हो गई थी, बल्कि ऐसे वहां पे रूमर्स फैला रहे थे लोग, तो और डर होने लगा था लेकर को। तो उसी डर से अब लोग पूरे क्या करे, बस में से उतर कर ड्राइवर को पकड़ लिए मारने के लिए, वहां तक हुआ था बेटे। तो देखेंगे, मैं भी बहुत भयभीत था पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया, क्योंकि ड्राइवर बहुत बहुत उदास स्वर से देख रहा था अपने लेखक की ओर, तो इन्हों लोगों से कहे कि मारना ठीक नहीं है, बिठाइए, एक जगह बिठाएंगे, देखेंगे, बोल के कहते, तो मारने से तो बचाए ड्राइवर को। हाँ, डेढ़ दो घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। तो अब इन्हों डरे डरे हुए है, बच्चे रो रहे हैं, पानी दूध बोल के, छोटे थे बच्चे तो रो रहे थे, पत्नी भी बहुत भयभीत हो गई थी, डर गई थी क्या होता आखिर बोल के, तो ये पूरे डरे हुए थे, एक जगह पर बच्चों को लेके बैठ गए। तो इतने में लोग क्या करे, ड्राइवर को बस से नीचे उतारे और पूरे घेर के ठहर गए, क्योंकि कुछ हुआ तो इसको मार देंगे बोल के, ऐसा ठहर गए पूरे। हाँ, कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। तो लोग पूरे घेर कर बैठे हुए हैं वो ड्राइवर को, क्योंकि कोई भी अगर डाकू कोई भी दिखा यहाँ से, पहले इसको मार देना ड्राइवर को, बोल गया ये हिसाब से पूरे घेर कर ठहरे हुए थे। तो थोड़े बेचारे इन्हों भी परेशान थे, इनकी बात तो नहीं उतना प्रेफरेंस नहीं दिया, मगर मारे नहीं ड्राइवर को, बस डरा के बिठा दिया वहां पे। तो इतने में क्या देखते हैं इन्हों, दूर से एक बस चलती हुई आ रही है बेटे। तो कौन आ रहे है वो बस में, बोले तो ये कंडक्टर जो भाग गया था ना, वो कंडक्टर बस लेके आ रहा था। देखो ह्यूमैनिटी देखो, वो कंडक्टर जो है, ये बस खराब हो गया बोल के दूसरी बस शायद लेके आ रहा था। हाँ, उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया था, थोड़ा लेते आया। तो देखो ह्यूमैनिटी देखो बेटे, तो बस कंडक्टर क्या है, उतर गया, चले गया बस, क्योंकि रात का समय है, इतने लोग हैं, कुछ हो गया तो प्रॉब्लम, बोल के बेचारा क्या करा, साइकिल लेके चले गया और बस अड्डे पे जाके दूसरी बस लेके आया। तो आने के बाद वहां पे बस रोक दिया और पूरे जने चढ़ने लगे वो नई बस में, और इनके पास आया, आगे कहने लगा लेखक के पास, सर जी आपके बच्चे रो रहे थे जब मैं देखा बस में पानी दूध बोल के, तो वहीं पर बस स्टैंड पे जो है थोड़ा सा दूध और पानी मिल गया था, लेके आया आपके बच्चों के लिए बोल के, इनको थोड़ा पानी, पानी का बॉटल और थोड़ा सा दूध दे देते। हाँ, यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और बारह बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो सब जने क्या है माफी मांग लिया, ड्राइवर से भी और कंडक्टर से भी, क्योंकि हम लोगों से गलत फैमिली हो गई बोल के, पूरे जने मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया बोल के माफी मांग लिए और सब जने बस में चले गए और 12 बजने से पहले ही जहां पे जाना था वहां पे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूं कि लोगों में दाया माया रहा ही नहीं गया। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो ये इंसिडेंट के बाद फिर अपने लेखक कहने लगे, कैसे कहूं कि दुनिया में अभी भी मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है बोल के कैसे कहूं। एक तरफ मैं न्यूज़पेपर्स में, पत्र पत्रिकाओं में पढ़ता हूं,
तब जो है दिल बैठ जाता, मगर ये इंसिडेंट्स देख के फिर दिल में एक खुशी जागती कि सच में आज भी इंसानियत है लोगों में, इस दुनिया में इंसानियत कायम है, बोल के समझ में आया। ओके बच्चों, तो आज यहीं पर रोकते हैं बेटे, धन्यवाद। हाँ बेटे, तो देखिए, तो इन्हों कहने लगे अपने लेखक की आज भी दुनिया में इंसानियत कायम है, ऐसे इंसिडेंट देखने के बाद समझ में आता। टगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी है, घटनाएं भी बहुत कम नहीं है, जब लोगों ने आकरण सहायता की है, निराश मन को ढांचा दिया है और हिम्मत बधाई है। तो अपने लेखा कहने लगे कि मैं भी जिंदगी में खाली न्यूज़पेपर्स में देखे ही नहीं, मैं भी जिंदगी में धोखा भी खाया हूँ, किसी से टगा भी गया, यानी कोई मेरे साथ धोखा करके मेरे पैसे भी लूट लिए, ऐसा भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, मगर वही दिल में रख लिए, वही माइंड में रख लिए, वैसा ही वही हिसाब से चलेंगे बोले तो अपनी जिंदगी आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि वही नजर से देखना पड़ता सबको, तो नहीं जा सकती जिंदगी आगे। मगर ऐसे भी लोग हैं जो जान को अपने को जानते नहीं पहचानते नहीं, वो कंडक्टर को कैसा मान, ये कोई रिश्तेदार है नहीं है ना बेटे, सिंपल ट्रैवलर है उस बस में, पैसेंजर है वो बस में, मगर उनको एक इंसानियत थी लोगों को यहाँ से लेके चले जाना बोल के, तो वो हिसाब से। तो ऐसा इंसिडेंट्स देखने के बाद, ऐसे इंसिडेंट्स देखने के बाद दिल में थोड़ा तसल्ली मिलती कि हाँ आज भी इंसानियत कायम है इस दुनिया में, ऐसे भी लोग हैं, इंसानियत के लोग भी इस दुनिया में है। हाँ, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी प्रभो, हे प्रभो मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इतनी सुंदर कविता लिखी है कि अगर इस दुनिया में वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगर इस संसार में, इस दुनिया में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, सब जने मेरे को नुकसान पहुंचाए, हाँ धोखा ही खाना पड़े, किसी से मैं धोखा भी खाया, ऐसे अवसरों पर, अवसर यानी सिचुएशंस, ऐसे सिचुएशंस पे भी हे प्रभु हे अल्लाह मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। तो ऐसे अवसरों पर, ऐसे सिचुएशंस में भी मुझे इतनी हिम्मत दो, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं तुम पे डाउट ना करूं, क्योंकि ऊपर वाला ही है बेटे सब कुछ करने वाला। तो मैं ऐसे अवसरों पर भी, मैं मेरे दिमाग में क्या आना, हाँ ये मेरे अच्छाई के लिए ही है बोल के ये थिंकिंग आना, मगर मेरे साथ ही क्यों होता, ऊपर वाला अल्लाह मियां मेरे साथ ही क्यों करता, ऐसे मैं संदेह ना करूं आप पे, इतनी शक्ति मुझे प्रदान करो बोल के एक कविता में लिखे थे। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा है, आशा की ज्योति बुझी नहीं है, महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना भारत देश जो है बेटे, अपने भारत देश में जो है, यानी हर जगह, खाली भारत देश में नहीं पूरे संसार में भी ऐसे भी लोग रहते, ऐसे भी लोग रहते, ऐसा नहीं है कि पूरों का मेंटालिटी एक ही रहना बल्कि नहीं है। तो यहाँ पे अपने लेखक कहने लगे कि ये नतीजे जो है आजकल जो है बेटे बहुत सीरियस हो जा रही है नतीजे, तो वहां तक ना जाए। हे मेरे भारतवर्ष को पाने की, यानी पुराने जमाने की भारतवर्ष को पाने की संभावना फिर जगी है मेरे मन में। तो कहने लगे ये लास्ट में, मेरे मन, मेरे दिल निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इतनी भी अच्छाई है दुनिया में तो दुनिया आगे बढ़ेगी बोल के अपने दिल को तसल्ली देने लगे। तो बच्चों आज को ये लेसन खत्म हो गया बेटे, क्या निराश हुआ जाए। तो जो भी नोट्स नए भेजे बेटे कंप्लीट करके भेज दीजिए। ओके, थैंक यू।